सत श्रीकाल देसी चरोखा देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रेखा कश्यप, प्रोग्राम कोआर्डीनेटर स्पैशल ओलंपिक भारत पंजाब चैप्टर यंग एथलीट। बेसिकली असं स्पोर्ट्स लिए काम करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए काम करते हैं, लेकिन जो सानू मौका मिलता आर्ट के नाल जुड़े हुए कामों के विच होर अगे वधन दा, तो फिर असी पिछे कदम नहीं हटाउंदे, क्योंकि साढ़े नाल जो यूथ जुड़दा आ और यूथ नवें नवें इनोवेटिव आइडियाज़ लैके आउंदा आ, तो फिर काम करन दे विच इस तरह लगता है कि वाकई आनंद आ रहा। सो अज ये जिहड़ा यूनिफाइड फैसटिवल ऑफ कलर्स जिहड़ा आ विरसा विहार जलंधर दे विच मनाया गया है, और इहदा सारा कॉन्सैप्ट साडी यूथ लीडर नानकी सिंह ते उहदे नाल अनन्या ने कीता सीगा, और इहदे विच सब तो ज़्यादा खुशी इस दी हुई है कि वक् वक् स्पेशल स्कूलों के बच्चों ने आके पार्टिसिपेशन की, और उस तो बाद उन्होंने जो उन्होंने मन के भाव सिगे उन्होंने कलर्स के राही बयान किया, तो अपनी अपनी जी पेंटिंग्स वो की। साडा मकसद है कि जो भी सानू कोई प्रोजेक्ट मिलता है उस प्रोजेक्ट नू पूरी तरह नेपड़े चाड़िया जाए। सो साडे कोल IG7 प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा सीगा, जिहदे विच असी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट दे नाल इन्हां स्पैशल एथलीट्स नू जोड़िया सीगा, उन्हां दे सिबलिंग्स नू जोड़िया सीगा, पेरेंट्स नू जोड़िया सीगा, उत्थे ही अज असी इन्हां सारे स्टूडेंट्स नू स्पैशल एथलीट्स नू बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट तो बाद अज कलर्स दे नाल जोड़िया है। सो IG7 प्रोजेक्ट साडा एक बहुत वधिया प्रोजेक्ट है, जिहदे विच नानकी सिंह जिहड़ी है वो इंटरनेशनली पंजाब नू रीप्रजेंट कर रही है एज अ यूथ लीडर। इस प्रोग्राम की जिहड़ी अगली जानकारी है वो यूथ लीडर नानकी सिंह जिहड़ी है तुहाडे नाल सांझी करेगी। सत श्री अकाल तुहानूं सारिआं नूं, मेरा नाम नानकी सिंह है, मैं स्पैशल ओलंपिक्स भारत की यूथ लीडर हाँ, तो अज असी इत्थे एक यूनिफाइड फैसटिवल ऑफ कलर्स ऑर्गनाइज किया, जिहदे विच रेखा मैम और सारी SOB की साडी टीम सी। असी बेसिकली बच्चों नूं कहा सी कि जो भी उन्हां दे मन च आंदा है वह ड्रॉ कर सकदे आ, वह कलर कर सकदे आ अपने शीट्स नूं, तो क्योंकि ये बच्चे भी आस पास दीआं सराउंडिंग्स देखदे आ, जो वह फील करदे आ, जो वह सोचदे आस पास दी सराउंडिंग्स बारे, अपने इनवायरमेंट बारे, लोगों बारे, तो ऑब्जेक्ट्स बारे वो उन्होंने बनाया सी, तो उन्होंने रंग भरे सी, क्योंकि साडा मनना है कि जो ये बच्चे होंदे आ इंटलैक्चुअली थोड़े जे डेफिसिट होंदे आ, तो इन्हां दी एक बहुत ही चंगा तरीका है आर्ट एंड क्राफ्ट विच अगर इंगेज होन, तो बड़ा एक चंगा तरीका है कि उन्हां दी मोटर एंड विजुअल परसैप्शन इनहैंस हो सकता है, इनक्रीज़ हो सकता है, तो इस दे नाल उन्हां दी कंसंट्रेशन ते फोकस पावर जो कि थोड़ी जी घट हुंदी है नॉर्मल बंदे तो वह भी इनक्रीज़ करन विच हेल्प करता है। तो असी अज ये ईवेंट कराया सी, तो असी होप करते हैं कि मोर असी इदा के होर ईवेंट्स कराइए कमिंग फ्यूचर। तो बेसिकली असी एज ग्रुप्स बच्चों नू डिवाइड किया सी, ते असी उन्हां नू कहा सी कि जो मतलब जो बहुत जूनियर बच्चे सी वो तो ज़्यादा ड्रॉ नहीं कर सकते सी, तो उन्हां नू कहा सी कि वो मतलब उन्हां नू ऑलरेडी ड्रॉ करके असी दिता सी, ते उन्होंने सिर्फ रंग भरे सी, ते बाकी बच्चे जो अगे दो फरदर टू सैकेंड एंड थर्ड ग्रुप दे सी उन्हां नू असी यही कहा सी कि वो जो मर्जी बनाना चाहते हो बना, ओपन आ, कुछ टॉपिक नहीं असी दिता सी, जो भी वो बनाना चाहते हो बना, तो बहुत बच्चों ने ट्रीज़ बनाए सी, बर्ड्स, रेनबो, सन, इदां दीआं चीज़ां बना के उन्होंने कलर किया सी। होप असी तो ऑलमोस्ट एवरी मंथ एक ना एक ईवेंट बच्चों लिए कराते हैं, क्योंकि असी ये मानते हैं कि बच्चों नू एक बड़ा चंगा तरीका उन्होंने इंगेज करन दा, उन्हां दा कॉन्फिडेंस लैवल नू बूस्टअप करन दा एक बड़ा चंगा तरीका है कि उन्होंने बुलाया जाए, उन्होंने स्पैशल फील कराया जाए, उन्होंने इदा के ईवेंट्स कराए जाने, तो बाद एक रीइनफोर्समेंट जिदा अवार्ड्स या सर्टिफिकेट तो कलर्स अज असी दिते सी बच्चों वो दिते जान, इसलिए असी अज यूनिफाइड कलर ऑफ फेस्टिवल मनाया सी।